बहुत ही एक्साइटमेंट एंट्री रहा आपका बिग बॉस में, क्या कहना चाहे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सलमान खान के साथ ग्रैंड एंट्री हुई आपकी, कैसा लगा आपको, थोड़ा वो बताइए। सलमान खान के साथ हर चीज़ ग्रैंड ही होती है, वो सलमान खान है हमेशा। बाइक पे रस्ते पे भी जाए, साइकिल भी करे अपने घर से फिल्म सिटी तक, वो भी चीज़ ग्रैंड हो जाती है। ये होता है सलमान खान का पेशा, हमेशा। यू हैव डन फिल्म आल्सो विद सलमान, नाउ बिग बॉस, कितना चेंजेस दिखा आपको सलमान के नेचर में उनके? अमिशा, क्या फिटनेस की टिप्स आपने ली है सलमान से? नहीं, मैंने सलमान से फिटनेस की टिप्स तो नहीं ली, लेकिन इंस्पिरेशन जरूर ली है, क्योंकि सलमान इज नेचुरली सो फिट, क्योंकि जब हम शूटिंग भी करते हैं या मैं उनके घर पर जाती हूँ सोशली, तो वो इतना खाते रहते हैं, सब कुछ खाते, कुछ डाइट भी कभी नहीं करते, कुछ नेचुरली गुड लुकिंग एक्सेस मैन एनहांसेस व्हाट गॉड इज गिविंग हिम विद एक्सरसाइज। हमेशा ये कहा जाता है सलमान खान हमेशा सही टैलेंट का साथ देते हैं, कई नए टैलेंट आते हैं तो कभी बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स भी आते हैं कभी पुराने हो, लेकिन फिर इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या मैं ये कहूँ कि वो एक बार नए टैलेंट में आपका नाम भी जुड़ गया है फिर बॉस के साथ? इतने सलमान ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, चैनल का था, जो कुछ भी होता है किसी को पता नहीं है, दैट्स नॉट अ स्क्रिप्टेड शो। So everybody including Salman contrary to popular belief, he does not know the contestants. So ये आपके गलत से भी दूर कर दें कि सलमान को या मुझे या किसी को भी जो कंटेस्टेंट जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। बिग बॉस इज इन ट्रू एंड ट्रू अ रियालिटी शो और हर डिसीजन जो लिया जाता है ये चैनल लेता है। तो इन दिस केस मुझे देखना अच्छा लगता है कि लोग ऐसे सिचुएशन में जब डाले जाते हैं तो उनकी सही पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो जाती है या उनकी सही पर्सनैलिटी उभर के कैसे आती है। सो इट इज वेरी आई ओपनिंग ऑल्सो, इट्स वेरी टू एवरीबडी दैट इज गॉन इन द पास्ट, सर्वाइव दोज वीक्स एंड मंथ्स इनसाइड द हाउस, हैट्स ऑफ, इट्स नॉट ईजी। एंड देन यू हैव अ अमेजिंग होस्ट लाइक सलमान, यू कांट बट नॉट वॉच द शो। There's a long list of celebrities who want to promote the Big Boss. It's a great platform. Why do you think that every film star, every film actor?